हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमारा जो टॉपिक आया था, जो वीडियो हमने पोस्ट किया था, उसमें हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में स्टडी किया था और उसमें हमने समझा था कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में हम ऐड करते हैं तो उस क्रम का तुल्य विद्युत भार बल कितना आएगा, उस क्रम का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा और उस अवस्था में जो करंट है उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हमारे पास क्या आया था कि आई इक्वल्स टू इस अवस्था में जो टोटल करंट हमारे पास आती है आई इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर। ई वन प्लस ई टू दो सेल हैं विद्युत भार बल जो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, R1 R2 इन दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। इसको फिर हमने क्या कहा, E equivalent, इसके बराबर हो गया E equivalent के, ये कैपिटल R है प्लस स्मॉल R equivalent, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो करंट पेपर पर बह रही है वाई R जो करंट बहेगी उसका फॉर्मूला ये होगा। और यहां से हमें पता चला कि जो E इक्विवेलेंट है इस क्रम का तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2 के रूप में आएगा तुल्य प्रतिरोध। अगर R सेल जुड़े हुए हैं तो इन सबका योग आ जाएगा, यानी योग आएगा इसमें, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2, इन सबका योग आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होगी, ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है और ये आई का फॉर्मूला यहां पर आ रहा है, ठीक है। इसके पश्चात हमने लास्ट में ये देखा कि अगर जितने भी सेल है ई वन इक्वल्स टू ई टू इक्वल्स टू ई थ्री इक्वल्स टू ई एन इक्वल्स टू ई हो जाए, सभी एन से समान विद्युत भार बल जुड़े हुए हैं तो ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, प्लस ई प्लस ई कितनी बार आ रहा है, एन बार, तो क्या बन जाएगा एन, क्या बन जाएगा एन, इसी वजह से एन आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ये भी जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी बार एन बार, तो कितना आ जाएगा एन आर, एन आ जाएगा। कि अगर समान विद्युत वाहक बल समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध के एन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो ई इक्विवेलेंट एन ई के बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट एन आर के बराबर होगा, तो आई का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर, स्मॉल एन आर ये वाला आ रहा है। यहां से एन को कॉमन निकालो, ऊपर तो एन है ही, नीचे एन को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, आर अपॉन एन, क्योंकि यहां एन नहीं है तो आर अपॉन एन प्लस स्मॉल आर, तो एन से एन कट जाएगा और क्या आएगा, ई अपॉन आर अपॉन एन प्लस स्मॉल आर। तो ये करेक्शन कर लेना, यहां गलत लिखा गया, ये करेक्शन कर लेना, यहां पर ये नहीं आने वाला, यहां पर किया यहां आएगा स्मॉल एन, यहां आएगा एन यहां पर आएगा और यहां आ रहा है, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, लास्ट समय जब दिखाते समय ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप यहाँ पर चेक कर लिया तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने वाला है कि अगर एन से जिसका विद्युत वाहक बल एक समान है आंतरिक प्रतिरोध एक समान है तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से इसमें एक और नोट कर, अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो क्या हमें मिलता है, एक चीज और हम नोट करना है, तो यहां से हमारे पास ये चीज आ चुकी है देखिए, यदि कंडीशन लगा रहे विशेष स्थिति लिख लेना, विशेष स्थिति यदि
आर ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल आर, यदि आर ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो पहले का मतलब हुआ कि बाह्य जो प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी बड़ा है, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी बड़ा है, तो आई बराबर नेग्लेक्ट हो जाएगा, आर है वो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आर को हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर आर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर की तुलना में क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा आई बराबर आ जाएगा एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन ये आएगा, यहां से दिख रहा है कि स्मॉल आर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई बराबर ई और आर अपॉन एन, आर अपॉन एन और एन ऊपर से आ जाएगा, एन ऊपर से आ जाएगा, तो एन ऊपर से आ गया, तो एन ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर क्या है एक करंट से प्रवाहित आ रहा है, क्या है एक करंट से, या इसे ले सकते हैं एन आई वन, एन आई वन या ले सकते हैं एन इंटू, इसको ऐसे देखो एन इंटू एक सेल से प्रवाहित आ रहा है, एक सेल से प्रवाहित धारा, एक सेल से प्रवाहित धारा, तो कहने का मतलब हुआ यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा है, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा है, तो यदि हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें जो धारा मिलेगी वो एक सेल का एन गुना मिलेगी, धारा एक सेल का एन गुना मिलेगी, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन उचित है, हालांकि हमें अधिक धारा चाहिए, हमारे पास विद्युत भाग वाले कम है, तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो हमें एक सेल से धारा मिली उसका एन गुना प्राप्त होगा, ठीक है, अर्थात बाह्य प्रतिरोध ये लेना है, अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होने पर सेलों को श्रेणी क्रम में, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जोड़ना सेलों को श्रेणी क्रम, तो आपको समझ में आ गया सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे, जब सेल का बाह्य आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो यदि हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक सेल से हमें जो धारा प्राप्त होगी उसका एन गुना हमें मिलेगा, जी यहां पर एन आ रहा है, एन इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, ये इंपॉर्टेंट है, और यदि दूसरा हो जाए सेकेंड केस, देखिए सेकेंड केस, यदि एन आर ग्रेटर देन आर ये हो जाए, यदि एन आर ग्रेटर देन आर हो जाए, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कैपिटल आर की तुलना में काफी बड़ा हो गया, आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में काफी बड़ा हो गया, तो देखिए इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, तो आई बराबर एन अपॉन एन ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि नेग्लेक्ट हो गया, एन आर ग्रेटर देन आर है तो हम क्या करेंगे इस कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एन ई अपॉन एन आर, तो क्या बचेगा ई अपॉन आर बराबर एक सेल से प्राप्त कर रहा, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, यहां किसी मिल दी है एक सेल से प्राप्त धारा का एन गुना मिलती है,
और यहाँ एक शिक्षक आपके धारा घंटे, यानी आपने एल श्रेणी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और आपको जो धारा मिल रही है आर के स्रोत पर जो आर हमें मात्रा मिल रहा है धारा मिलेगी वो एक सेल के बराबर मिलेगी। तो फिर हम इनको क्यों जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, हमें 10 सेल से वही धारा मिल रही है जो एक सेल से मिल रही है, फिर हम 10 सेल किस काम के, किसी काम के एक सेल ले रहा है वहां पर, इसकी ये फॉर्मुलेशन निरर्थक हो गया। इस अवस्था में फॉर्मुलेशन काम में नहीं आने वाला। ये निर्धारक है, ये ध्यान रखना, ये किसी काम का नहीं, कब काम का नहीं है, यदि यानी सेल का आर्थिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो गया तो हमें सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। सेलों को श्रेणी क्रम में हम तभी जोड़ेंगे जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम होता है, यानी इसी कंडीशन में हम जोड़ेंगे, ये कंडीशन जोड़ेंगे, ये कंडीशन हमारे काम की नहीं है क्योंकि वेयर खाई बीस सेल को जोड़े तो भी वही धारा मिल रही है, एक सेल को जोड़ रहे हैं तो भी वही धारा मिल रही है, तो फिर हम बीस को क्यों जोड़े, एक ही जोड़े। और इस अवस्था में बीस सेल को जो धारा मिलेगी वो एक सेल का बीस गुना मिल रही है, एक सेल में जो धारा मिल रही है उसका बीस, यहाँ बीस गुना और यहाँ पर वही मिल रही है एक सेल के बराबर में, तो हम ये नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, ये करेंगे। तो हमें देखना है कि सेलों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो उनका आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से होगा, उस हिसाब से श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है सेलों का बाह्य प्रतिरोध की तुलना में तो श्रेणी क्रम जोड़ना चाहिए। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, आज का हमारा दूसरा टॉपिक आने वाला है सेलों का श्रेणी क्रम से जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें सॉल्यूशन जरूर आता है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और इसके लिए तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोधी जैसे स्थापित कीजिए, यह सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या है और इसके लिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन और उसको हम देखते हैं कि इसमें रिजल्ट हमारा जाने वाला है। सभी स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से मनोयोग से केंद्रित करते हुए जो भी वीडियो आपको पोस्ट किए जा रहे हैं उन सबको आप पढ़ेंगे। समय की सिचुएशन ऐसी है कि ऑफलाइन क्लास नहीं रख पा रही, याद ध्यान रखें 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आप ये सोच के बैठे हैं कि अभी स्कूल बंद नहीं है, आपकी पढ़ाई बंद नहीं है, जो समय निकल जाएगा और फिर नहीं आएगा, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए और बड़े मनोयोग से और बड़े लगन से समर्पण भाव से अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही काम में आने वाले हो और चीज आपको काम में नहीं आने वाला, आपका भविष्य इसी से बनने वाला है। तो रुचि लीजिए, एंड फिजिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रुचि का सब्जेक्ट है, इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व उतना अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलते हैं सेलों का दूसरा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, अंदर आप दिखा नहीं सकते, विशेष रूप से आप दिखा रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इस प्रकार से यदि आपके कनेक्ट कर रखा है तो इसे सेलों का
आंतरिक प्रतिरोध सेलों का समांतर प्रतिरोध कहते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध आर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका विद्युतवाहक इवन है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, इसका विद्युतवाहक न्यूट्रल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो ये पूरा एक सेल है, इधर में ये पूरा एक सेल है, यहां तक इसको भी सेल करेंगे, इसका भी यहां तक सेल करेंगे, ये आपका एक सेल। ये समझ में आ रहा है? तो दो सेल है और इन दोनों सेलों को हमने बिंदु, ये ए है और ये ए और बी टर्मिनल्स है, ए और बी के मध्य दोनों सेलों को जोड़ा हुआ है और इन दोनों के एंड पॉइंट्स बाह्य रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड, बाह्य रेजिस्टेंस है आर से कनेक्टेड है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना। तो ये सेल वन है, ये आपका है, इसको हम कहेंगे प्रथम सेल, ये आपका प्रथम सेल है और ये आपका द्वितीय सेल है। तो दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 दोनों A व B के मध्य समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन दोनों के एंड पॉइंट्स, इन दोनों का एंड पॉइंट्स किससे जुड़ा, बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ। अब ध्यान रखना, समांतर क्रम का मतलब क्या हुआ कि दो सेल जिनके समान ध्रुवता वाले टर्मिनल किसी एक पॉइंट से और दूसरे ध्रुवता वाले टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, इन दोनों का प्लस यहां से कनेक्टेड है और इन दोनों का माइनस इससे कनेक्टेड है। क्लियर, ये समझ में आए? तो इस प्रकार का सेल है, इसको आप समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, इस सेल से धारा अलग आएगी, इस सेल से धारा अलग, इस सेल से धारा जा रही है, ये जो धारा जा रही है इसको हम I1 कह रहे हैं, इस सेल से जो धारा जा रही है इसको देखिए, इस धारा का हम I1 कह रहे हैं और ये जो धारा जा रही है इसको हम क्या कह रहे हैं I2। इधर से होकर ये धारा इसके अंदर जाएगी, ये धारा क्या जाएगी यहां पर I, ये धारा I जा रही है, इधर ये करंट आपका I इसके अंदर जा रहा है, ये करंट I होगा। ओके, तो ये चीज इसके अंदर इस प्रकार से चलो इसके अंदर लिख लेते हैं कि क्या होता है, इस सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें समान ध्रुवता वाले, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें समान ध्रुवता वाले सिरे ए के उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हो, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें समान ध्रुवता वाले सिरे ए उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हो, सेलों का समांतर, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा जिसमें समान ध्रुवता वाले सिरे हैं वो एक बिंदु से जुड़े हुए। आगे उपयुक्त चित्र में दो से, उपयुक्त चित्र में दो से जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 था E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 था R2 है, R1 का R2 है,
बिंदु ए तथा बी के मध्य, बिंदु ए तथा बी के मध्य समांतर क्रम में जुड़े हैं, बिंदु ए तथा बी के मध्य समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन दोनों सेलों के अंत्य बिंदु, इन दोनों सेलों के अंत्य बिंदु एंड पॉइंट्स, इन दोनों सेलों के अंत्य बिंदु को बाय प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध आर से जोड़ा गया, वायु प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, वायु प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है। तो इतना आप लिख लीजिए, इसके पश्चात हम इसके अंदर आगे चलते हैं। जो इसको जोड़ा गया है तो उस प्रकार का इसके अंदर यहां पर दिखाया गया है, ठीक। तो ये आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ओके। अब देखिए सेल E1 है, ऊपर वाला सेल ये है, ये I1 करंट दे रहा है, सेल E2 है ये I2 करंट दे रहा है, और ये दोनों करंट इधर से होते हुए इस वाले बाएं परिपथ में आएंगे तो करंट एक I बनेगा, यानी I किसके किससे मिलकर बना रहा है, I1 और I2 से, तो I बराबर I1 प्लस I2 होगा। दूसरा ध्यान देना कि दोनों सेल E1 और E2 बिंदु A और B के मध्य, बिंदु ए व बी के मध्य जुड़े हुए हैं, तो ए व बी के मध्य जुड़े हुए हैं, तो ए व बी के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, ए व बी के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। इसका अर्थ हुआ कि सेल E1 के लिए टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ए व बी के मध्य वही है जो सेल A2 के लिए होगा, कि दोनों ए व बी के मध्य जुड़े हुए हैं, दोनों ए व बी के मध्य जुड़े हुए हैं, इसलिए ए व बी के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो सेल E1 और सेल E2 दोनों के लिए जो टर्मिनल वोल्टता की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ध्यान रखें फिजिक्स में डेरिवेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझना और उसको बार बार करना आपकी आदत में होना चाहिए, तभी फिजिक्स समझ में आएगी, अथवा फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली, इसलिए बार बार करते रहिए, समझते रहिए और मन से पढ़े रहिए तो फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी बन जाएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगेगा। यदि सेल E1 द्वारा धारा I1 था, E2 द्वारा धारा I2, यदि सेल E1 द्वारा धारा I1 था, E2 द्वारा धारा I2 है, तो बाय प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा, तो बाय प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा आई बराबर I1 प्लस I, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि सेल E1 है I1 धारा दे रहा, सेल E2 है I2 धारा दे रहा, और ये दोनों धारा के ऊपर प्रतिरोध R में से जा रही है, I धारा जा रही है, इक्वेशन हो गया। क्योंकि A और B के मध्य, A और B के मध्य टर्मिनल वोल्टता
ए और बी के मध्य ट्रिगोनल वोल्टता बी है तो ए और बी के मध्य ट्रिगोनल वोल्टता बी है तो प्रथम से प्रथम सेट के लिए टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला, और टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला क्या है, वी वन बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे वी वन, क्योंकि हमें पता टर्मिनल वोल्टता वी बराबर ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके ड्राइव कर चुके, ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए टर्मिनल वोल्टता का। तो वी वन बराबर क्या आएगा, ई वन माइनस आई आई वन और आर वन, इसमें से करंट आया। अब चूंकि सेल इसके मध्य जुड़ा हुआ है, ए और बी के मध्य टर्मिनल वोल्टता में क्या मानी वी मानी है, और सेल ई वन भी ए और बी के मध्य जुड़ा हुआ है, इस वी वन को मैं क्या कहूंगा वी वन, इस वी वन को क्या कहूंगा वी कहूंगा, और यहां से मेरे पास फॉर्मूला आएगा इसका निकालना चाहूंगा मैं आई वन, क्योंकि मुझे आई वन की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आई वन आएगा आई वन बराबर देखिए आई वन निकालूंगा तो यहां से क्या निकालूंगा E1 माइनस बी, क्योंकि बी वन किसके बराबर है बी के, तो ई वन माइनस बी अपॉन आर वन, इसलिए इक्वेशन नंबर टू ध्यान देना, इस इक्वेशन से ये रिजल्ट हमारे पास आया है ऐसा ही द्वितीय सेल के लिए। टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला क्या आएगा वी टू, और वी टू बराबर क्या आएगा ई टू माइनस आई टू इंटू आर टू, और ये किसके बराबर है बी के, क्यों भी क्योंकि ये भी ए और बी के मध्य जुड़ा हुआ है, सेल वी टू है द्वितीय सेल है, ये भी ए और बी के मध्य जुड़ा हुआ है, ओके। तो यहां से आएगा, और यहां से आई टू की वैल्यू निकालो, यहां से आप आई टू की वैल्यू निकालो, आई टू की वैल्यू निकालने के लिए आएगा ई टू माइनस वी अपॉन आर टू, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको सोल्व करते हैं। यहां से आई वन और आई टू की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये आई वन और आई टू की वैल्यू हम समीकरण एक में रखते हैं, और समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट है आने वाला है। तो समीकरण ध्यान दीजिए, समीकरण एक दो व तीन सी, हर स्टेप को समझते हुए चलना है, हर स्टेप को समझते हुए चलना है, तभी आप कंप्लीट डेरिवेशन तक पहुंच पाएंगे और इजी वे में समझ पाएंगे। तो हर स्टेप को बड़े सावधानी पूर्वक और मन से लगन से समझने का प्रयास कीजिए। तो आई वन आई टू की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आएगा, आई बराबर आई वन की वैल्यू है ई वन माइनस बी अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस बी अपॉन आर, ओके हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इजी बनाते हैं, इसको लिख सकते हम ई वन अपॉन आर वन माइनस बी अपॉन आर वन प्लस ए टू अपॉन आर माइनस वी अपॉन, लिखा जा सकता है ऐसा, कोई दिक्कत, अलग अलग कर लिया हम, या थोड़ा इसको और देखें, इसको लिख सकते हम ए वन अपॉन आर वन प्लस ए टू अपॉन आर टू, लिख सकता हूं माइनस माइनस को कॉमन निकाल लिया और अल्फा लिख दो वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू, लिख सकते हो ऐसा आगे से, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, बस स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं, इसका कोई रोल नहीं रहा है, और इससे कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट विभाग बल क्या बनता है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और टोटल करंट का फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल करंट तो आ रहा है इसमें आएगा आगे, देखिए क्या हमारे पास
I equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2. B को बाहर निकाल दे तो माइनस B 1 upon R1 plus 1 upon R2. ठीक है, ये चीज आ गई. दिस इज इक्वेशन नंबर, आगे इसको रखो. ध्यान दीजिए एक बार, इसको इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दो. अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 नाम दो. अब यदि इसके स्थान पर, ये तो हमने बनाया, इसके स्थान पर दो सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल काम में ले जिसका विद्युत भाग बल इन दोनों सेलों के विद्युत भाग बल के इक्विवेलेंट आ जाए, यानी इसको हम ऐसा बना दें, इसको हम ऐसा बना दें, ये रेजिस्टेंस आर आ गया, ये इक्विवेलेंट आ गया, या आपका आर इक्विवेलेंट आ गया, और इसके अंदर करंट आई जा रहा है, इसके अंदर करंट है आई जा रहा है, ये तुल्य सर्किट हो गया इसका, तुल्य परिपथ. ये आपका क्या हो गया, तुल्य, ये तुल्य परिपथ हो गया. ये तुल्य परिपथ हो गया है तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिखे, धारा का इसके फॉर्मूला लिखे क्या मिलेगा, यदि संयोजन का तुल्य विद्युत भार बल E इक्विवेलेंट है और तुल्य आयतन R इक्विवेलेंट है तो हमारे पास धारा का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास धारा का क्या फॉर्मूला आएगा, यहां से निकाल सकते हैं. देखिए इसी हिसाब से यदि संयोजन का तुल्य, या थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और बनाकर चेंज करना चाहिए कि वे लोग हम फाइंड आउट करना चाहेंगे टर्मिनल वोल्टता को हम डिफाइन करना चाहें, यहां से हमारे पास टर्मिनल वोल्टता का क्या फॉर्मूला बना है, तो वहां से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए यदि संयोजन का तुल्य विद्युत भार है, इक्विवेलेंट, यदि संयोजन का तुल्य विद्युत भार है इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है, तो यदि संयोजन का तुल्य विद्युत भार बल इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित है धारा, देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा की आई बराबर क्या आएगा, प्रवाहित धारा आई बराबर क्या आएगा, इस वाले फॉर्मुलेशन के तो आई बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस वी आर इक्विवेलेंट माइनस वी वी अपॉन आर. थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आई बराबर ई माइनस है, ये ई इक्विवेलेंट आ गया, इसको हमें थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखना पड़ेगा, दूसरे रूप में लिखते हैं. ओके इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको टर्मिनल वोल्टेज के रूप में लेके आते हैं, इसको मिटा दें, इसको टर्मिनल वोल्टेज के रूप में लेके आते हैं, तो वहां से लेते हैं हमारे पास क्या, इससे भी आ जाता है लेकिन थोड़ा सा उस रूप में लेके चलते हैं, या इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आएंगे तो वी आ गया, वी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन इक्वल्स इसको इधर लेके आए, ये हो गया D1 अपॉन
आर वन प्लस टी टू अपॉन आर टू, ये आई घट जाएगा तो माइनस आई, माइनस है आई हो, या इसको सोल्व करेंगे तो रहेगा आर वन आर, आर वन आर टू, और यहां पर जाएगा आर वन प्लस आर इक्वल्स टू, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, ये इसको करेंगे तो इसका लघुगणक आएगा आर वन आर टू, यहां पर आएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आर टू, माइनस है आई आर, ठीक है ओके। या ये रहा वी बराबर, अब वी बराबर है तो इसका उल्टा करके घट लेंगे, वी निकालना है इसका भाग लगाएंगे, इसका दोनों तरफ भाग लगाएंगे, इधर भाग लगाएंगे कट जाएगा और इधर भाग लगाएंगे तो इसका उल्टा आएगा, उल्टा का मतलब हुआ इवन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू, इसको भाग लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करो उल्टे से, तो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर, ओके करिए माइनस आई, माइनस आई आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर, ठीक चीज है, यानी कि हमें वी की वैल्यू निकालनी है तो इसका भाग लगाएंगे, जैसे इसका इसमें इसमें भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने का मतलब इसका उल्टा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, ठीक है नीचे होगी। आगे देखिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यूनिट रेजिस्टेंस हमारा बाद में बना दूंगा दोबारा, इसको आगे सोल्व करें तो या वी बराबर, ये तो कट जाएगा आर वन आर टू से आर वन आर टू कट गया, क्या बच गया इवन आर प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर, आर वन प्लस आर माइनस आई, माइनस आई और यहां पर क्या आ रहा है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर, ठीक है थोड़ा सा इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर फाइव, दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइव, या आपका इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है तो इस इक्वेशन नंबर फाइव है इसका इक्विवेलेंट देखिए, इसका इक्विवेलेंट में बनाओ, इसका इक्विवेलेंट बनाता हूं आपको, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये जो आपने से लिया है इसका विद्युत आवेश ई इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ये होता है, तो देखिए यदि इस संयोजन का या आपका यदि इस संयोजन का तुल्य विद्युत बल, यदि इस संयोजन का तुल्य विद्युत बल इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो ये आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट है ये चित्र सेकंड है, ठीक है उत्तर आर इक्विवेलेंट है तो चित्र सेकंड से, इस सेकंड से क्या आएगा तो चित्र सेकंड से के मध्य एवं बी के मध्य टर्मिनल वोल्टता, एवं बी के मध्य टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल वोल्टता क्या होगा वी होगा,
ए और बी के बदले दूसरे नंबर का क्या है वी, तो वी की जो फॉर्मूला क्या होता है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, तो यहाँ ई क्या है ई इक्विवेलेंट, यहाँ पर ई क्या है ई इक्विवेलेंट माइनस करंट तो आई रहेगा लेकिन आर क्या है आर इक्विवेलेंट। इसे क्वेश्चन नंबर V बराबर E माइनस आई आर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, लेकिन यहाँ E की जगह E इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं और स्मॉल r की जगह स्मॉल r इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। तो अगर इसकी जगह ये तो आपका कॉम्बिनेशन था, इसकी जगह हमने ये अप्लाई कर दिया, इसके लिए ये फॉर्मूला आया, इसके लिए ये फॉर्मूला, दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक ही, समीकरण पांच में से एक ही है, तो तुलना करो, इनकी तुलना करो क्योंकि ये भी काम में आने वाला है। समीकरण पांच से तुलना करें, समीकरण पांच व छह की तुलना करने क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें, दोनों एक है, तुलना करो तो बी की जगह बी, तो ई की जगह ये आ गया, ठीक है, ई की जगह ये दिख रहा है, आई की जगह आई आ गया और आर ई की जगह ये है, तो यहां से हमारे पास क्या आया तुलना करने पर तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट, देखिए ई इक्विवेलेंट कितना आया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवन तथा तुल्य आर्द्रिक प्रतिरोध तथा तुल्य आर्द्रिक प्रतिरोध, देखिए तुलना करो आर इक्विवेलेंट किस जगह आ गया, तो आर इक्विवेलेंट किसका क्या आ रहा है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, इसे क्वेश्चन नंबर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य विद्युत वाहक बल इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा एंड तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं और ये हमारे पास है। तो ये इसके अंदर फॉर्मूला है तुल्य विद्युत वाहक बल एंड तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का क्या होगा फॉर्मूला होगा। अब आगे इस परिपथ में धारा का क्या फॉर्मूला बनेगा, इस अगर तुल्य विद्युत वाहक बल हमें दिया हुआ तुल्य आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ तो हम धारा कैसे ज्ञात करेंगे, धारा को हम देख लेते हैं, धारा को हम देख लेते हैं तथा धारा तो I बराबर क्या आता है, I बराबर हमारे पास आएगा E इक्विवेलेंट, I बराबर क्या आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R इक्विवेलेंट, यानी कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, क्या फॉर्मूला है कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, धारा का फॉर्मूला कही है कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो इस व्यवस्था में कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब सेलों को पैरेलल में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एंड परिपथ में बहने वाली धारा, दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन, दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन। इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे, पेज हमारे पास आ गया।
अब कंडीशन इसमें और लगा दे, दूसरा देखिए इसको हम इस पुनः समीकरण सेवन को निम्न प्रकार दिखा सकता है, और निम्न प्रकार हमारे पास क्या आएगा, समीकरण सेवन को एट को, समीकरण सेवन को एट को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, और किस प्रकार लिखा जा सकता है समीकरण सेवन को, इसको लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट अपॉन आर, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, ई वन अपॉन आर प्लस ई टू अपॉन आर, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। तो यहां से भी ध्यान दीजिए, इसको अगर इस प्रकार लिखेंगे देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है देखिए, इसको आप करेंगे तो यह आएगा ई वन आर टू, ये आएगा ई वन आर टू, इसको इस रूप में क्या करते, इसको सोल्व करते देखो, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू अपॉन आर वन आर टू अपॉन आर वन, इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा, और ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये अकेला क्या है, इक्विवेलेंट है, हमने किसे भाग लगा दिया आर इक्विवेलेंट से, इसमें आर इक्विवेलेंट का भाग लगाओ और आर इक्विवेलेंट में इसका भाग लगाओ, इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करो, उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इसके आर इक्विवेलेंट को उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आने वाला है, ओह मैंने यहां गलत लिखा, ये गलत लिखा, इसको चेक करना है गलत है क्योंकि यहां पर आर वन प्लस आर टू नहीं आएगा, आर वन आर टू, आर वन आर टू चेक करना, आर वन आर टू वही मिस्टेक लिखा गया, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन टू आर टू आ गया, और यहां से देखिए ये चीज तो आ गई, ये वाली चीज चीज आ गई, लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट है, हमने आर इक्विवेलेंट का भाग लगाया है, आर इक्विवेलेंट का भाग लगाया है, और आर इक्विवेलेंट का भाग लगाया है, आर इक्विवेलेंट का भाग लगाएं, आर इक्विवेलेंट क्या है, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, E1
R2 plus E2 R1 upon R1 R2 और मल्टीप्लाई है R1 से R1 से मल्टीप्लाई है तो यहां मल्टीप्लाई करो R1 R2 upon R1 plus R2 R1 से R1 R1 R2 से मिल गया R1 R2 से तो ये नहीं अपन आ गया किसके बराबर आ गया इक्विलेंट के बराबर इक्विलेंट के बराबर आ गया तो यहां से हमारे पास क्या निकला इक्विलेंट बराबर इक्विलेंट बराबर क्या आएगा इवन R1 इवन R2 इवन R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R तो ऐसा लिख सकते हैं तो समीकरण 7 को ऐसा लिखा जाता है समीकरण 7 को क्या लिखा जाता है इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स की क्या आएगा E1 R1 प्लस E2 R2 ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है और समीकरण 8 को आपको बताइए समीकरण 8 को आप कैसे लिख सकते हैं देखिए इसको मिटा रहा हूं समीकरण 8 को यहां लिख रहा हूं इसको ऐसे ये कर लेना सीधा ये 8 आपका नंबर समीकरण 9 ठीक है तथा 1 upon R equivalent ये तो हमें पता 1 upon R equivalent plus 1 upon R1 plus 1 upon R2 ये तो आंतरिक प्रतिरोध का होता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं ये और ये एक ही चीज है ये लिखो ये लिखो ये लिखो या ये लिखो दोनों एक ही है तो समीकरण 7 को 8 को 7 को हम समीकरण 9 के रूप में लिख सकते हैं और समीकरण 8 को समीकरण 10 के रूप में लिख सकते हैं ठीक है और ये कैसे लिखा गया इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज वापस आने वाली है ठीक है इसलिए इसको इस रूप में ओके इसको नोट कर लो अब यहां से आगे से अगर समान प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध और समान विद्युत भार वाले एन से समांतर क्रम में जुड़े हुए तो क्या होगा तो क्या होगा तो उस कंडीशन में देखिए कंडीशन देखिए क्या है यदि समान विद्युत वाहक बल E तथा समान आंतरिक प्रतिरोध आर वाले एन से समांतर क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े हैं तो देखिए हमारे पास क्या है E कितना है इस फॉर्मूले में लगा दो क्या आएगा E R प्लस E R प्लस प्लस N बार आएगा N बार आएगा क्योंकि N बार आएगा आपको नीचे ये N बार आएगा R प्लस R N बार एन बार होगा यानी इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले में लिखेंगे इवन की जगह ई आर वन की जगह आर क्योंकि विद्युत भार बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है तो ये ई आर प्लस ई आर प्लस ई आर प्लस ई आर कितनी बार जाएगा एन बार जाएगा और नीचे भी आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितनी बार जाएगा एन बार जाएगा ठीक है तो कितनी बार हो गया ये कितना आएगा ये कितना आएगा ये आएगा एन ई आर अपॉन ये कितना आएगा एन आर कितना आएगा एन आर तो एन आर कट गया इसके बराबर आ रहा है ई इक्विवेलेंट ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना
जब समांतर क्रम की बात आए और समांतर क्रम में समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध वाले एन से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल इससे बराबर होगा। यदि समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध आर वाले एन से समांतर क्रम में जुड़े हो तो इक्विवेलेंट डी के बराबर आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके बराबर आएगा तथा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकाल दो कितनी बार आ रहा है, आर स्क्वायर आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर एन बार कट गया होगा नीचे बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर अपॉन कितनी बार आ रहा है एन बार तो एन आर तो कितना आ जाएगा आर अपॉन एन आर अपॉन यानी आर वन आर टू आर आर की पावर एन आर की पावर एन ये आर की पावर एन आर इक्विवेलेंट बराबर आर स्क्वायर अपॉन एन आर आर अपॉन एन आर इक्विवेलेंट ये आएगा। तो देखिए क्या आने वाला है अतः है धारा धारा कितनी आएगी यहां से देखिए अतः है धारा आई बराबर क्या आता है आई बराबर क्या ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट क्या आ रहा हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ रहा है ई इक्विवेलेंट हमारे पास ई आ रहा है और आर प्लस ये आ रहा है आर अपॉन एन। दिस इज द इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन नंबर है 10 दिस इज द इक्वेशन नंबर 11 दिस इज द इक्वेशन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट कि जब समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध वाले आर से आर प्रतिरोध वाले एन से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल ई होगा ये ध्यान रखना तुल्य विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर अपॉन एन आएगा आंतरिक प्रतिरोध आर अपॉन एन आएगा। ये उस हिसाब से कर सकते हैं मैंने इसलिए छोटी क्वेश्चन की होगी क्योंकि इसको ऐसे ना करके और ये आंतरिक और एन तो देखिए यहां से ये चीज आ गई आर अपॉन एन आ गया आर अपॉन इसको क्योंकि आर अपॉन एन आ ये इस कमी से रुकने लगी क्योंकि वन अपॉन आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर इक्विवेलेंट तो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर कितनी बार जा रहा है एन बार कितनी बार जा रहा है एन बार तो यहां से कितना आएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा एन अपॉन आर एन अपॉन आर और यहां से हमारे पास क्या आर है आर इक्विवेलेंट कुछ आएगा आर अपॉन एन ये हमारे पास आ चुका है शायद ठीक है फॉर्मूला ये तो ये देखिए अब कंडीशन देखिए ये वाला फॉर्मूला आएगा ये कंडीशन देखिए यदि आर ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल आर यदि आर है बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक है तो देखिए तो क्या आने वाला है आई बराबर ये नेगेट हो जाएगा जीरो हो जाएगा ई अपॉन आर ई अपॉन आर आएगा एक शेल से प्राप्त होता है एक शेल से प्राप्त धारा इसका मतलब संयोजन किसी काम का नहीं किसी काम का नहीं है। यदि हमें समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध वाले एन से समांतर क्रम में जोड़ दिए एन से समांतर क्रम में जोड़ दिए तो जो हमें करंट मिलेगा समांतर क्रम में जोड़ दिए और बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक है बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक है तो हमें जो धारा मिलेगी वो एक शेल से प्राप्त धारा मिलेगी एक शेल से प्राप्त धारा मिलेगी तो इसको हम क्यों करेंगे हमने 100 शेल जोड़े और हमें धारा एक शेल के बराबर मिल रही है तो 100 को क्यों जोड़ेंगे समांतर क्रम में नहीं जोड़ना ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया ये निर्धारक हो गया किसी काम का नहीं है लेकिन
काम का नहीं है। लेकिन यदि सेकंड यदि आर लेस देन लेस देन स्मॉल आर, यदि आर लेस देन लेस देन स्मॉल आर, तो अगर ये आर है इसकी तुलना में बहुत स्मॉल हो गया तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इस आर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आई बराबर, आई बराबर क्या आएगा एन ई, एन ई अपॉन बराबर एन इन टू एच एल सी प्राप्त धारा, एन इन टू एच एल सी प्राप्त है धारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सोचना हमारा सही है, सोचना में सही से हुआ कि यदि हमारे पास समान विद्युत भाग वाले एन सेल हैं और यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो हमें सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि हमें एन सेल की धारा प्राप्त हो। इसको लिखेंगे संयोजन सार्थक, संयोजन सही। ओके, तो ये चीज आई इसमें, हमें जो हमने आज समांतर क्रम पढ़ा काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ धारा का क्या सूत्र प्राप्त होता है, और ध्यान में रखना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ई इक्विवेलेंट बराबर आता है ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, और इसी को हम इसको भी देख सकते ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और परिपथ में बहने वाली धारा का हमारे पास है ये फॉर्मूला इसमें आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिए एंड अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचे, सब्सक्राइब करवाए ताकि हम भी प्रेरित हो और आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।